अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम मूसा हफीज़ है। तो चाहत फतेह अली खान को तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के सारे जो यूथ हैं सब पूछा रहे हैं, आदमी जो है वो जानता होगा। तो उन्होंने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। तो पाकिस्तान में जो है वो मकबूलियत का पैमाना ये है कि एक फिक्रा जैसे लाहौर पाओ अख्तर पाओ हर किसी को याद हो गया। इसी तरह और सुना सलीम जो आज मेरा अपना भतीजा है 6 साल का, उसको भी ये चीज़ याद है और पूरा दिन वो लगा रहता है ये सुना सलीम। तो बच्चे बच्चे को ये चीज़ें याद हो जाती। पाकिस्तान में मुशावर भी जो होते हैं एक दिन में जिसे कहते हैं ना आसमान पर ला के बैठा देते हैं, दूसरे दिन भी भूल भी जाते हैं। तो उन्होंने जो है इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और उन्होंने जिस हल्के से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया NA 128 से, तो उसमें जो है बिलावल भुट्टो ने भी पहले अभी कागजात नामजदगी जमा करवाए, अभी सारे लोग प्रेडिक्ट करना शुरू हो जाते हैं इसका मुकाबला इसके साथ। अभी नो डाउट प्रेडिक्ट करना, लेकिन अभी कागजात नामजदगी जमा हुए, अभी पार्टी किसको टिकट देती है नहीं, बिलावल को कागजात अप्रूव होते हैं, जिसके कागजात अप्रूव होते हैं नहीं वो कागजात रिजेक्ट भी हो जाते हैं। अगर कागजात रिजेक्ट हो जाए जैसे अब PTI के बहुत से लोगों ने जमा करवाए हैं जिनके शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक किए हुए हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली उनके रिजेक्ट हो जाएंगे, तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी ये तो मतलब आने वाले दिनों में यह सिचुएशन मजीद कन्फर्म।